अभिवादन करने का सौभाग्य हमको। सबसे पहले तो मैं हमारी अपील, कोरोना इससे वो हमसे बहुत दूर, किंतु दूर नहीं, अभी भी उसकी जितने भी प्रतिकाशन लिए जाने चाहिए, हाथ धोना है, दूसरे लगाना है, निश्चित रूप से पूरे ही लोगों को जिनकी बारी आ जाती है उनको निश्चित रूप से चाहिए, बिना भय के, बिना किसी बात। पहले तो मेरा एक लोगों से आप लोगों के सामने बात पहले हमको ये करते हुए एहसास हो रहा है, योगी सरकार ने किया था, सरकार उन सारे वादों को पूरा किया, अच्छा था, कुछ कहा था सरकार कर्ज माफ करेंगे, करने में माफ करने कहा था, नहीं हो पाया, फला दिन माफ कर लेंगे तब। और तब ने रूल काम किया कि हमने 81,000 लोगों का और 76 करोड़, इतना सारा जो उस हिसाब से उन्होंने पूरा किया, 36,000 माफ किया। ये तो आपके फरूख 52 किसानों का लोग 5.1 करोड़ माफ हुआ, मैंने अपनी शुरुआत की ताकि हमेशा किसानों के हित और किसानों के हित ऐसी तय किया कि किसान बराबर बनी रहनी चाहिए, जनता में हमने कोई कठिनाई नहीं, और उसमें आप जानते हैं ना कहीं लात हुई कि दाम भी नहीं बढ़ने दिए, खाद के दाम बढ़ने की चर्चा कहा है लेकिन हम लोगों ने नहीं बढ़ने दिया है। खाद की उपलब्धता का कि हमने 2000 में कल्पना किया था कि हम 8 मेट्रिक टन खाद, लेकिन जब तो हमको पता लगा कि स्टाम हो गई, दूरी में लक्ष्य तय, लेकिन हमने उपलब्ध 8 मेट्रिक टन, इससे पहले सभी 100 करोड़ रुपया केवल प्री पोज, हमने 150 करोड़ निश्चित रूप से उसका लाभ ये रहता बराबर बनी रहती है। तो हम ये कहते हैं कि 300 मेट्रिक टन 378 लाख अनाज खरीद लिया, हमने केवल मात्र नहीं खरीदा, मक्का भी खरीदा, सूर भी खरीदा है, अरहर भी खरीदा है, इनका हमने काम किया है। हमारी जो थी वो मुख्य लिए तय हो रही थी, तो हमने किसानों के सामान्य उनके साथ और उसको उपदा है वह इतना बड़ा, केवल एक अपने कोऑपरेटिव विभाग तो धान की टोटल खरीद थी, कोऑपरेटिव विभाग की खरीद 9 लाख दोनों प्रतिवर्ष बताते हैं, उसका इतना बड़ा अंतर करें कि हमने 1 टन धान खरीदा है, 42 मत गेहूँ खरीदा है, इससे बड़ा था क्योंकि गेहूँ का भाव सत खरीद पाए थे, गेहूँ 122 गेहूँ हम 50 खरीद पाए थे क्रिकेट में, फिर से इतना किसान हमको न देखा था, 17 में 2.5 गुना दो दशमलव का है और गेहूँ खरीदा है, ये हमारा एक वादे ही का है। ऐसे इसके सापेक्ष सर ये लक्ष्य के और ये 72 घंटे में भुगतान का भुगतान नहीं मिला है, क्या है वो सहकारिता से संबंधित दोनों कंपनी नहीं, हमको नहीं लगता है कि होगा, यदि किसी का तो आप बताएंगे तुरंत, उसने हम यहाँ जाएंगे तुरंत उसके दो हैं सर कंपनी अपनी 28 लाख नहीं तो नेफेड नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े किसान बचे, 2 दिन पहले और भुगतान आया 10-15 दिन सामान्य रूप से बहुत अधिक खरीदने पर इस प्रकार के जरूर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बीमा में हम 110 करोड़ रुपए इसमें हमने सपोर्ट किया है, चले कि ये को ध्वस्त किया है, अब कभी किसी सरकार ने जितना अब तक बता रहे हैं खरीदता है चाहे तो में कीर्तिमान स्थापित होने की अपेक्षा, और यहाँ व्यक्तियों को या फिर 13 व्यक्तियों को 6-0 का मुख्यमंत्री केशव दुर्घटना, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बराबर उसकी प्रतिपक्षों के मामले में, हमने पूरे 4 किलोमीटर से सड़कें बनाई है सामान्य, इन सड़कों की संख्या कुछ 6 किलोमीटर से ऊपर, हम लोगों ने जिनमें हमने 600 से कराए हैं, 813,000 किलोमीटर से ऊपर सड़क निर्माण कराया है, 85.5 रोड फरुखाबाद में ही आया है, ऐसे ही पास में 1300 पांचों एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस वे और बलिया लिंक ऐसे को जोड़कर इतना बड़ा, ऐसे ही करने के पीछे हमने सड़क बनवाने के पीछे लोगों को उद्यम दिया है, काम दिया है, जो श्रमिक काम कर रहे हैं और सारे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक्सप्रेस वे तो दूसरे एक्सप्रेस ऐसे लगातार योजना में भी ये 1000 किलोमीटर गड्ढा मुक्त में लग रही है, 13,000 किलोमीटर बनवाई है और 13 हमने गड्ढा मुक्त पूरा किया है, एक यूनिक प्रयोग है, चलते थे कि बिजली की आप कितने गांवों को हम स्थिति है कि मैक्सिमम शायद कोई एक उनको पूरा करने के लिए कृषि की आपूर्ति जो है वह ये है विलेज सौभाग्य योजना।
53 मजरों का विद्युत 62,000 लोगों के गए हैं। शहरी क्षेत्र बिजली की उपलब्धता है के लिए आते हैं, अभी बहुत चर्चा में रहता है। सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं गोवंश हमारी सरकार ये समस्या पहले से आने के बाद जो बंध लगाने का हमारा संकल्प पूरा करने के लिए जब हम आगे बढ़े मन में आया कि लोगों है यह मानकर लोगों ने उसमें बढ़ गया। हम मित्र इस पर प्रश्न करते थे कई हिंद सब्जियां गाय चल रही उसके लिए और उसके लिए वह जो गौशालाएं बन 50,000 करने का काम किया है 300-900 दी जा रही है इसके लिए और गौशाला वे गोवंश आश्रम में 5 हैं जनपद में बृहद गोवंश दो बृहद गोवंश दो चार शून्य फसल बनवा एक दूसरा शून्य के उससे आश्रय संचालित 1405 गोवंश 74 गोवंश संरक्षित हो रहे इस पर भी हम लोगों ने बड़ा लोगों की कल्पना ही नहीं गाय की उस पर सामान्य रूप से जिस समय प्रारंभ के एक रूप गाय की और इन सबके अब जितने गोवास में एक निश्चित रूप से कमी आ रहे हैं प्रत्येक आगे बढ़कर प्रत्येक गांव जाना है कि वो हर ग्राम समाज की जमीन होगी संरक्षण के लिए गौशाला चलो जो लोगों को दिया उसमें कम से कम एक गाय पाल ले रुपया प्रति माह मिलता है 2.61 करोड़ शौचालय यहाँ मुख्यमंत्री आज में 40,00,000 से अधिक कहेंगे कि आप वर्णन कर उत्तर प्रदेश के 4 साल का प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को इसलिए गिना रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश ने आवास योजना इतना बड़ा काम किया है और ऐसे ही वर्षों में 1,63,000 व्यक्ति शौच किए गए हैं 212 करोड़ रुपया ये और प्रधान मुख्यमंत्री अलग से योजना चलाई गई किया वे लोग मंत्री आवास योजना के अंदर नहीं होते ऐसे लोग जो विकलांग रोगी हैं अलग से एक व्यवस्था बनाकर अपने आवास योजना मंत्री आवास योजना में 202 आवास उससे आच्छादित हुए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ा था जिसके कारण हम कई दिशा में भी हम लोगों ने रकम आगे बढ़े आवास योजना में 980 आवास 80.76 करोड़ आवास दिया गया जल पेयजल योजना में भी हम लोगों ने के तहत 30,000 सिलेक्ट किया है काम कर रहे हो रहा है कर चलते हैं कि में इस समय ठंड को उसे आच्छादित ठंड में पानी के अभाव में वहाँ एक कहावत है खसम मरझावत थी कि मेरा पति नहीं घुटना चाहिए वहाँ पूर्ति इस प्रकार से हो रही वहाँ नए नए उद्यम खड़ी बाहर नहीं जा रहा है प्रकल्प किया है जहाँ यह सब आपूर्ति अमृत योजना में नया कीर्तिमान बनाया है नई प्रधानमंत्री जी ने प्रसिद्ध किया ने वहाँ बाहर से यहाँ उसने उसके किया स्ट्रॉबेरी का बहुत बड़ा 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट लगा उससे हो रहा है अब वो प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग योजना कर रहे हैं हर घर बाद में 4 ये इस समय सिलेक्ट हो गए योजना में 70,00,000 से अधिक लोगों को आपके यहाँ यहाँ इन कामों पर भी लगातार उनको जो लगने वाले प्रदेश उद्यम वाले मार्केटें लगती हैं जाकर इनके प्रदर्शन कराया जा रहा है कि अभी तक थी लेकिन उस कमाई का अब स्वयं इनको मार्केट लाभ इनको मिले यहाँ योजना में 26.67 करोड़ रुपए का 0.62 करोड़ 375 किया जा रहा है उनको टूर के प्रदेश आज एयर कनेक्टिव है और इसलिए नया कहना करें कि 70 वर्षों में कुल 2 एयरपोर्ट थे यही 5 इंटरनेशनल 8 एयरपोर्ट संचालित एयरपोर्ट 7 हवाई पट्टी अभी हम एक्सप्रेसवे का बता रहे थे केवल पूर्वांचल ही है वो मनरेगा के तहत भागकर सबसे बड़ा मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया था इसके मजदूरों को एक दिया जा सके पूर्वांचल लिंक योजना तीनों योजनाएं मनरे हुए बाहर के श्रमिक थे ये बहुत बड़ी योजना है सबके सब लगे कोरोना जैसी महामारी आई पूरे देश में उस महामारी देशों में बहुत सारे उनके पास हॉस्पिटल था थी लेकिन वे हमने अपने आप लोगों ने हम सारे 30 करोड़ लोगों ने संकल्प के कारण आज हम कैसे कोरोना को मात दे 2 वैक्सीन हमारी बन गई हमारे ही प्रयोग नहीं हो के 82 देश है और मांड उनकी अभी लगातार बड़ी देशों में से हैं जिनको हम फ्री से लगातार इस दिशा में इसका उत्तर प्रदेश में जो इस बात के लिए उल्लेख करते हैं अन्य प्रदेशों के अपेक्षा में कोरोना महामारी से लड़ा आत्मबल दिखाया है तो हुई है चाहे वो में हो चाहे अस्पतालों में उसकी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मजदूरों को मजदूरों भावना ये थी कि यहां बहुत
और निश्चित रूप से वो भय ही सारा सारा समाज इनमें कौन सा वो फाट पड़ा देंगे, लेकिन हमारी सरकार ही सबल मन से दिखाई उनकी अलग नहीं किया, केवसा नहीं किया, तो उन लगातार भोजन मिलता रहे, उपलब्ध कराया, हर प्रकार फ्री राशन उपलब्ध कराया, सनी नहीं तो उनको 1,000 अनुदान दिया, इसमें पा जाए, इसलिए मनरेगा को चिन्हित किया गया करें। और उसके कारण ने तो किस मामले में उत्तर बाहर के देश कोरोना महामारी से लड़ने नंबर एक का काम किया, बाहर के जो उत्पाद होते हैं भी हम आगे रहे हैं, आंदोलन हुआ था और देखकर लोगों को लगता था हुआ भी, हल करने में जितनी उतनी अच्छी पहल किसी परिणाम है कि वो पहल और उस पहल को उदाहरण भी कर रहे हैं। हम विद्यालयों के वातावरण करो कि जिन विद्यालयों में था कि उन विद्यालयों में जाने में आज सारे विद्यालयों में एकाध अफवाह की सारे विद्यालयों में टाइल्स शौचालय है, सारे बच्चों के बढ़िया ड्रेस को देखकर एक बार मन हो रहा है अपने बच्चों को वहाँ भेजने का। ठीक इसी प्रकार कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी एक यूनिक, लोग ये मानते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में अभिशाप मानते थे क्योंकि 30 साल से जिन्होंने उनका पैसा एक भी उन्हीं हमारी सरकार दोहराई, उसमें हमने किया उन 16 बैंकों में था एक पैसा नहीं पा रहे देने की गारंटी शुरू कर दी, इसलिए हमारे सब डिमांड पैसा दे रहे हैं, और प्रतिशत तीसरे सारे इसमें जिस उस कोरोना महामारी के साथ से निकलना बाहर था बाहर नहीं निकल पा रहे थे भी उनको सुविधा मिल जाए, जो ATM बैंक थी मोबाइल बैंक उन जिलों में लोगों के माध्यम से हर शहर में जाकर हमारी होती थी जिसके पास वो पैसा ATM से निकाल सकता था। भंडारण में भी हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने ये किया भैया कि जो भंडारण निकासी थी उतना ज्यादा सामान्य होती थी साथ निकालने की, और उस समय 19 लाख और इतने ही आरोप यानी कोरोना से लड़ने में जूझने में बिल्कुल आगे रहे हमारे ऐसे सार्वजनिक 20 पास मशीन से यहाँ अनाज वितरण किया गया, 1,21,000 गैस कनेक्शन यहाँ दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस पूरे उत्तर प्रदेश तहत भी लोगों ये 3.8 करोड़ घरों में भी हमें लोगों को दिए हैं। ऐसे कुछ से भी उत्तर प्रदेश जो भारत केंद्र सरकार की अभूतपूर्व काम किया है अधिकांश लोगों को यहाँ भी 1,28,000 स्वीकृत है जिनमें 30% 21% का हमने वितरण पूरा होने जा रहा है। जब हम इतना कर लेते जन आरोग्य मिला हम लोगों ने जन आरोग्य उत्तर प्रदेश में मुख्य के सोच के कारण जन आरोग्य ब्लॉक स्तर पर अलावा पीएससी पर इस पर स्वास्थ्य का परीक्षण करना जहाँ जो हमको कराने वह ब्लड टेस्ट और भी टेस्ट कराके उपलब्ध कराई गई है। ऐसे 6,676 में काम दिया गया है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा 1,800 को 14,000 करोड़ रुपया धनराशि का भुगतान, ये लगातार हमारी योजना है। योजना में प्रथम महिला को 5,003 किस्त का निर्णय लिया है जिसके 29,935 माने हमारी सरकार वह यूनिक काम किया गया था। हमने तय प्रदेश का नाम दुनिया में आध्यात्म चमकेगा वो आज आप काशी प्रयाग चले जाए, आप मथुरा चले जाए, इन सारे दिव्य दर्शन आई पड़ेगा। मंदिर वहाँ के शहर सुरक्षित है, सफाई है, सड़क जल की आपूर्ति बहुत बढ़िया, वहाँ रख रखाव की व्यवस्था इस प्रकार से इन सारी दिशा किया गया है। बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया और उसके बनाने के बाद बहुत सारे ये इसको लेकर हम लोगों ने कार्रवाई किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ युवा को रोजगार मिला है, महिलाएं सुरक्षित है, खेतों को पानी मिला है, किसान का जो अनाज उत्पाद हो रहा है उसको मार्केट मिल रही है, किसान की आय दोगुना करने के लिए हम लोग संकल्प है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। हमारी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिकांश लागू करके सब में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। राम राज आ जाएगा, आया नहीं आने वाला। सर आपने कहा कि कृषक दुर्घटना बीमा में सबसे ज्यादा आपने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, तो क्या ये माना जाए कि किसानों की दुर्घटनाएं भी ज्यादा हुई हैं तभी तो आपने उनको ज्यादा दिया? नहीं, बाकी सब समय में ये हुआ है कि किसी ने दुर्घटनाओं को नोटिस नहीं लिया है। अच्छा। हमने दुर्घटनाओं के नोटिस लिया है और उनको रिलीफ पहुँचाया। यूरिया के रेट नहीं बढ़ाए आपने, लेकिन डीजल पे आपने बैट कम नहीं किया, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, बहुत हाईएस्ट है, किसान मरा जा रहा है। डीजल के दाम निश्चित रूप से कुछ बढ़े हैं, लेकिन जब पुराने से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बढ़े।
आप जरा 2014 के में चले जाइए, 2010 और 14 के बीच में बढ़त देख लीजिए, उसके बाद इधर का देख लीजिए, आपको अंतर से आपके आप आपको लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। नहीं, अंतर से आंसू तो नहीं पूछने वाले हैं, जो किसान परेशान है उसकी परेशानी कम होने वाली है। हम तो आंसू पूछने के लिए कृत संकल्प हैं, जहां से पूछ पाएंगे वहां से पूछेंगे, तेल में नहीं पूछ पाएंगे तो दूसरी प्रकार से देखेंगे। आखिर 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का यह देने का काम इससे पहले किसी सरकार ने सोचा भी था क्या? घोटाले पे है या फरुखाबाद में घोटाले? तो देखिए घोटाले तो हम किसान सम्मान निधि में, यहाँ किसान सम्मान निधि में 2,01,969 किसानों को 228.98 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। अब आप कल्पना करिए, यह सारा काम आंसू पोछने का ही काम है, और उसका उसके पीछे जो सोच है वो केवल ये है कि किसान करता ये था कि जब उसको जरूरत होती थी तुरंत खाद की और सबकी, तो अपने लड़के को नौकरी पर लगा देता था, 1,000 रुपया महीने में छापने के लिए नौकरी छोड़ देता था। आज वो ये नहीं करता, 6,000 रुपया उसको मिल जाता उसी घर पर। भले किसान के हर क्षेत्र में हम खड़े हैं, हर प्रकार से उसको अनुदान और सहयोग करने के लिए खड़े हैं, उसके सम्मान के लिए खड़े हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो जिनका जिनका सरकार ने जिनको लिया और बाहर भेजने का काम शुरू कर रही है? जहाँ जहाँ बाहर भेजने लायक है सर, हमारे जनपद से क्या स्थिति है सर? आपके जिस जनपद का तो ये बना है कि यहाँ का जो उत्पाद है अभी तक जो हम लोगों के अध्ययन में आया है, यहाँ कारीगर बहुत ही परिश्रमी है, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनकी सामग्री की बिक्री वे नहीं करते हैं, वे लोग हैं जो यहाँ से ले जाते हैं अपने नाम का ब्रांडिंग करके उसको बेचकर। वही तो सरकार ने काम किया सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वही सरकार काम कर रही है, तो कितना ले गई सर सरकार? इसी को कर रहे हैं अभी तो। इनको हम सारे जितने बड़े बड़े हमारे मेले लग रहे हैं, हाट लग रहे हैं, उन सारे हाट में ले जाकर इनका प्रदर्शन करा रहे हैं। फिर इन योजना ये है कि इनको अलग मार्केट देंगे कि हमारा फला है और इसको ये यहाँ खरीदा जाए, मैंने उनसे मुक्त कराने के लिए अभियान हुआ। जिला योजना की सर बैठक की, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको बजट ही नहीं मिला है, शून्य गए हैं, उसमें आप भी हैं शामिल, तो कैसे काम चलेगा सर? नहीं, सहकारिता का पिछली बार वहां से नहीं आया था इसलिए शून्य रहा, खेल इस बार आपका बना है आ जाएगा इसकी कल। खेल कूद आपका शून्य, कैसे इंडिया खेलेगा सर? खेल का अब इस बार तो खेल कूद को पैसा दिया गया है, हम लोगों ने तो योजना बनाई है, अब वहां से आने का बजट। सर विद्यालय चमके हैं, विद्यालयों में बच्चों की संख्या छात्रों की संख्या क्या कह सकती है, पिछले साल से कम रहे हैं आंकड़े? आप निश्चित रूप से जानते हैं कोरोना जैसी महामारी में परिवार के लोग ही चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे, इसलिए स्कूल में और भीड़ में नहीं भेजना चाहते। सरकार भी ये चाहती है कि समाज सुरक्षित रहे, इसलिए उसको बहुत बातें नहीं करती। भूमाफिया फरुखाबाद में कितने भूमाफिया फरुखाबाद? ये सब आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हिंसा पर कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश स्तब्ध है, बिल्डिंगें गिराई जा रही है। आज पूर्व सांसद ने अपनी प्रूफ कर दिया, उनसे पूछी मंजिल आप क्यों तोड़ रहे हैं, इसकी परमिशन नहीं लिया है, इसलिए मैं पहले स्वयं माफिया पर कार्रवाई का यहाँ सत्ता चिन्हित कर उनके विरोध कर छुड़ाई की सर। 1,000 वो जमीन उसकी पंचायत की है और सबको जैसे सरकार की योजना। सर अयोध्या काशी में तो इसे अच्छा था, आपकी सर धार्मिक स्थल गिराने जा रही है? नहीं, हमारी सरकार के लिए व्यवस्था कर रही है, आने किसी प्रकार की कोई कठिनाई, आने वाले रास्ता से रास्ते बनाए थे हम, गाड़ियां नहीं चलानी पड़ रही, बड़े रास्ते है कुछ हटवाना पड़ रहा है, बिना राय बात से कुछ नहीं करते। और अस्थाई बनाना, राम मंदिर बनने के पीछे 4 वर्ष तक उभरा रही है, हर जिले में राम ऐसा धार्मिक स्थल है तो यहाँ गिर जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं। किसानों की बात करें, सम्मान की बात करें, डीजल महंगा पर असर पड़ रहा है? डीजल का देखिए आप समझ लीजिए, और सारी चीजें हैं डीजल हमारे, लेकिन तो भी उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट किया गया, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और हम इसको अपने आप आज अमृतपुर में स्थिति खराब हुई आपसे। अमृतपुर में जो पीड़ा थी उसको सुना गया, अपराध की क्या स्थिति सर? ऐसे नियंत्रण में है, अपराध लगाकर थानों में जाते हैं, क्या हो रही है पहले का? अभी एक आदमी अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटे आप हर बार बैठक करते हैं, मुक्तियां हुई हैं बहुत कम है, मुक्त हुआ है वो काफी कम है, क्योंकि आप प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं वो लोग उन सबको भी से बजट दिया गया विकास हो। अरे इधर कोरोना को हमने बहुत बुरा कर लिया। एक मिनट, वो 43 नलकूपों की स्थिति बहुत, क्या नलकूप चालक
निश्चित रूप से सुधर चलाएंगे क्या? नहीं, नल पहुंचेंगे तो और ठीक कराएंगे। अभी आए कि नलकूप बंद है, आपके हो आप ना हो तो मोबाइल ठीक हो जाएगा। टावर मिल रहा है सर ना? We'll be right back.